हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के उपमंडल जोगिंद्रनगर क्षेत्र के सरकारी स्कूल में चार छात्राओं से छेड़छाड़ मामले में आरोपी केंद्रीय मुख्य शिक्षक निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक ने आदेश जारी कर दिए हैं। केंद्रीय मुख्य शिक्षक का मुख्यालय अब बीईओ कार्यालय गोपालपुर 2 स्थित भांबला में तय किया गया है। इस मामले में विभागीय जांच भी होगी। फिलहाल आरोपी न्यायिक हिरासत में है। शिक्षा विभाग के प्रथम श्रेणी शिक्षक के नेतृत्व में कमेटी का गठन कर शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस रिमांड पर चल रहे आरोपी को स्थानीय न्यायालय से भी कोई राहत नहीं मिल पाई है। 3 दिन के पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद सोमवार को आरोपी केंद्रीय शिक्षक को न्यायालय में पेश किया गया। यहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 3 जुलाई को पुलिस आरोपी को फिर न्यायालय में पेश करेगी। लड़भरोल पुलिस चौकी के एएसआई अनिल कटोच ने बताया कि पुलिस ने आरोपी के घर से मोबाइल फोन कब्जे में लेकर भी जांच आगे बढ़ाई है। पीड़ित छात्राओं के बयान भी पुलिस ने दर्ज किए हैं। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक विजय गुप्ता ने कहा कि केंद्रीय मुख्य शिक्षक को सस्पेंड कर दिया है। मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। जोगिंद्रनगर उपमंडल के लड़भड़ोल क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में तैनात केंद्रीय मुख्य शिक्षक छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न करता था। 4 नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ और यौन शोषण की शिकायत बाल संरक्षण विभाग के पास दर्ज होने के बाद जोगिंद्रनगर पुलिस ने बीते दिनों आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया था। पुलिस थाना जवाली में सरकारी स्कूल के अध्यापक के खिलाफ छात्रा से छेड़छाड़ को लेकर पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। छात्रा के पिता ने 21 जून को 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन पर शिकायत की थी। अब सोमवार को छात्रा के पिता ने पुलिस थाना जवाली में पहुंचकर इसकी लिखित शिकायत दी है। शिकायत मिलने पर एएसपी नूरपुर धर्मचंद वर्मा पुलिस थाना जवाली में तफ्तीश करने पहुंचे और शिकायत के आधार पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। एएसपी नूरपुर धर्मचंद वर्मा ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है।